नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यूनिट है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि। पिछले वीडियो में हमने 5 पॉइंट कम्प्लीट किए थे, व्यावसायिक अभिनव पाठ्यक्रम, व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स, विस्तार भाषण, व्यावसायिक गोष्ठियाँ और व्यावसायिक सम्मेलन। आज हम व्यावसायिक कार्यशाला के बारे में पढ़ेंगे। 6 पॉइंट है व्यावसायिक कार्यशालाओं से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन विषय का जो अध्यापक है या व्यवसाय अध्ययन एक व्यापक विषय है। यानी कि व्यवसाय अध्ययन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो विषय है वो एक व्यापक विषय है और उसमें अनेक प्रकार के व्यवसायों का समन्वय किया जाता है। यानी कि जो व्यवसाय अध्ययन है ये व्यापक विषय तो है ही सही, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के यानी अनेक प्रकार के व्यवसायों का इसमें समन्वय किया गया है। साथ में अध्यापक का विकास केवल व्यक्तिगत अध्ययन से नहीं होता है। एक अध्यापक का विकास केवल व्यक्तिगत अध्ययन या स्वयं के ज्ञान को बढ़ाने से नहीं होता है, अपने खुद के व्यक्तिगत अध्ययन से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए यानी कि अध्यापक अपने व्यवसायिक विकास में, व्यवसायिक वृद्धि करें, अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करें, इसके लिए दूसरे अध्यापकों से तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत दूसरे व्यक्तियों से, यानी कि अध्यापक अपने व्यवसायिक वृद्धि करें इसके लिए वो स्वयं व्यक्तिगत तरीके से या व्यक्तिगत अध्ययन से ही वह संपन्न नहीं होता है, बल्कि दूसरे अध्यापकों से और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत दूसरे व्यक्तियों से वो विचार विमर्श करके वो अपने व्यवसायिक वृद्धि को बढ़ाए। साथ में व्यवसायिक कार्यशाला में भाग लेने वाला प्रत्येक अध्यापक अपने व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढने में अध्यापक की सहायता लेता है। यानी कि जो व्यवसायिक कार्यशालाएं होती है, इन व्यवसायिक कार्यशालाओं में भाग लेने वाला प्रत्येक अध्यापक यानी कि व्यवसायिक कार्यशाला में प्रत्येक अध्यापक जो भाग लेते हैं वो अपने व्यक्तिगत समस्याओं को यानी कि व्यवसायिक वृद्धि किस प्रकार से करें, शिक्षण कार्य में बढ़ोतरी किस प्रकार से, शिक्षण कार्य किस प्रकार से रुचिप्रद बनाया जाए, इसके लिए व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढने में अन्य अध्यापकों की सहायता लेते हैं और विचार विमर्श करके नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 6-7 है व्यवसायिक परिषदों का सदस्य बनना। व्यवसायिक परिषदों का सदस्य बनने से तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए व्यवसाय अध्ययन के अध्यापकों से या किसी भी विषय के अध्यापकों को व्यवसायिक परिषद तथा समितियों का सदस्य बनना चाहिए। यानी कि शिक्षा विभाग उनको व्यवसायिक परिषदों तथा समितियों का सदस्य बनाता है। कहने का मतलब ये कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को रुचिप्रद बनाए तथा छात्र भी अपने शिक्षण कार्य में रुचि ले, ऐसे में शिक्षा विभाग ये चाहता है कि वो अध्यापकों को व्यवसायिक परिषदों का तथा समितियों का सदस्य बनाए और व्यवसायिक परिषदों का और समितियों का सदस्य बनाकर अध्यापकों का मार्गदर्शन करें। यानी कि समय समय पर व्यवसायिक अध्यापकों का मार्गदर्शन करें, समय समय पर अध्यापकों की व्यवसायिक वृद्धि के लिए वो मार्गदर्शन करता रहे। कौन? शिक्षा विभाग। और व्यवसायिक वृद्धि के लिए जो मार्गदर्शन किया जाता है उसमें ये निर्देशन दिए जाए कि व्यवसायिक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए, यानी कि व्यवसायिक अपने शिक्षण कार्य को श्रेष्ठ कर बनाने के लिए या अपने व्यवसायिक क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए व्यापारिक मेलों का आयोजन किया जाए, साहित्य और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाए, व्यवसाय अध्ययन अध्यापकों के लेख
और लिखने के लिए, यानी कि अध्यापकों को लेख लिखने के लिए प्रेरणा दी जाए, साथ में अध्यापकों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि अध्यापकों को उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाकर व्यवसायिक परिषदों का सदस्य और समितियों का सदस्य शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाएगा तो उनका व्यवसायिक वृद्धि, अध्यापकों की व्यवसायिक वृद्धि होगी और अध्यापकों की व्यवसायिक वृद्धि में उनका मार्गदर्शन होगा और मार्गदर्शन होने से उपयोगी सामग्री उनको उपलब्ध होगी अध्यापकों को, साथ में अध्यापकों को लेख लिखने की प्रेरणा मिलेगी और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होगा, जिससे क्या है, जिससे अध्यापक की व्यवसायिक वृद्धि होगी, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है एट है व्यवसायिक शोध कार्य, व्यावसायिक शोध कार्य एट है व्यवसायिक शोध कार्य। व्यवसायिक शोध कार्य से तात्पर्य यह है कि व्यवसायिक अध्ययन के क्षेत्र में जो उत्साही अध्यापक होते हैं, व्यवसायिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्साही अध्यापकों को शोध कार्य के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, शोध कार्य के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए और शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन देते हुए उनको सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि शिक्षा विभाग ये चाहता है कि व्यवसाय अध्ययन के उत्साही अध्यापकों को शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाए और साथ में जो उत्साही अध्यापक हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वे अपने शिक्षण कार्य में शोध कार्य कर सके और अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है नाइन है व्यावसायिक रचना, व्यावसायिक रचना, व्यावसायिक रचना। व्यावसायिक रचना से तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक संगठन साहित्य सृजन करते हैं, व्यावसायिक संगठन ही साहित्य सृजन करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन के अध्यापकों को अपने विषय में लेख लिखने और प्रकाशित करने, अपने विषय में वो लेख लिखे, यानी कि जिस विषय का अध्यापक है उसका लेख लिखने, उसको प्रकाशित करने के लिए शिक्षा विभाग उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। साथ में संगठन के द्वारा यानी कि जो व्यावसायिक संगठन साहित्य का सृजन करते हैं उस संगठन के द्वारा साहित्य अध्ययन से व्यवसाय और अध्ययन अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और साथ में उनका दृष्टिकोण भी व्यापक बनेगा। नेक्स्ट है टेन है व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण, व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण। व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक अध्ययन अध्यापकों के अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी और अन्य संस्थाओं के द्वारा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अध्ययन करना, टेलीविजन देखना सुनना, साथ में व्यावसायिक संगठनों में भाग लेना, बैंक उत्पादन केंद्र, साथ में मंडल मंडियों आदि जैसे व्यावसायिक साधनों का भ्रमण करने के कारण जो व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा, यानी कि व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक अध्ययन के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी और अन्य संस्थाएं पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाती है, साथ में अन्य संस्थाएं रेडियो टेलीविजन के माध्यम से किसी विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से उसमें भाग लेने और साथ में बैंक उत्पादन केंद्र के माध्यम से और कई व्यावसायिक साधनों के भ्रमण के माध्यम से व्यावसायिक अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण उनको प्रदान करती है। इस प्रकार ये आपके